हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि धान की नर्सरी डालते समय हमें कौन सा गलती नहीं करना चाहिए और धान की नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, अगर आप धान की नर्सरी डालने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो आपको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हानि भी हो सकते हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि धान की नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है और आपको धान की नर्सरी डालते समय किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने से पहले आपको सबसे पहले अपने धान की नर्सरी वाले खेत को ठीक तरीका से तैयार कर लेना है। तो उनके तैयार कैसे करेंगे तो इसके बारे में मैं बात करूँ तो धान की नर्सरी वाले जो खेत है उनमें जो है आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और उसके बाद जो है आपको कुछ उर्वरक भी डालना होता है। जैसे कि अगर आप एक एकड़ के लिए धान की नर्सरी डाल रहे हैं तो आपको उनमें 2 kg DAP और 3 kg यूरिया उनमें डाल दीजिए। इससे आपके खेत जो है अच्छी तरीका से तैयार हो जाएंगे और उसके बाद जो है आप अब इनके बाद आपको धान के बिया को जर्मिनेशन करना है। इनके लिए आप उन धान के बिया को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें जिससे कि उनमें जो है कुछ जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद वह बिया जो है आपके खेतों में गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है कि धान की नर्सरी आपको अपने खेतों में डालने से पहले ही आपको अपने खेतों को ठीक तरीका से समतल करना है और उसके बाद उनमें सबसे पहले पानी भर देना है। पानी भरने के बाद ही आप अपने खेतों में धान के बिया को डालिएगा। अगर आप खेत में सबसे पहले बिया डाल देते हैं और उसके बाद उनमें सिंचाई करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धान के बीज जो है ज़मीन के अंदर जाएंगे और वह उखाड़ने में आपके धान के नर्सरी जो है टूटेंगे। सो इसीलिए आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको इस प्रकार की गलती नहीं करना है। अब किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने के बाद आपको आगे तैयार कैसे करना है तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं। कई किसान भाइयों के मन में यह सवाल होता है कि धान के बीज तो हमने डाल दिया अपने खेतों में, अब दोबारा सिंचाई कितने दिनों के बाद करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके खेतों में सिंचाई की आवश्यकता हो उसके बाद ही आपको अपने खेतों को सिंचाई कीजिए। लेकिन कई किसान भाइयों क्या करते हैं कि अपने धान की नर्सरी में हर दूसरे दिन सिंचाई कर देते हैं। इससे मैं आपको बता दूं कि आपको आगे आने वाले समय में आपकी धान की नर्सरी में पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। सो इसीलिए आपको अपने धान की नर्सरी में ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और किसान भाइयों, अगर आपकी धान की नर्सरी में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे आने वाले समय में उनके ऊपर एक वीडियो हम बना देंगे। सो इसलिए आप जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।